श्रुति। बीआर चोपड़ा के निर्देशन में बनी महाभारत भारतीय दर्शकों के बीच खूब लोकप्रिय हुई थी। इसके पात्र मानव भारत के हर घर का हिस्सा बन गए। हर रविवार को प्रसारित होने वाले इस धारावाहिक ने अपार सफलता पाई थी। इसमें काम करने वाले कलाकार रातों रात शोहरत की बुलंदियों पर पहुंच गए, लेकिन इस शो की भव्यता ही इनके बाकी करियर के आड़े आ गई। अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर महाभारत में काम करने के बाद किसी और शो का हिस्सा नहीं बन पाए। लोगों के दिलों में इनकी छवि युग पुरुष की रही। ऐसे में इन्हें किसी और किरदार में देखने की कल्पना ही कोई नहीं कर पाया और इसका असर इन कलाकारों के करियर पर पड़ा। आपको बताते चलें कि शो में भीम का किरदार निभाने वाले प्रवीण कुमार सोबती का निधन हो गया है। प्रवीण 76 साल के थे और आर्थिक तंगी से जूझ रहे थे। आपको बता दें कि प्रवीण पंजाब के तरना तारण के मूल निवासी थे। प्रवीण कुमार के निधन की खबर से हर कोई सदमे में है। मिली जानकारी के अनुसार वह लंबे समय से बीमार थे। प्रवीण पीठ की समस्या से जूझ रहे थे। कुछ महीने पहले उन्होंने अपना ऑपरेशन भी करवाया था और काफी दिनों से वे चलने फिरने में असमर्थ थे। लंबी कदकाठी के चलते ही प्रवीण कुमार सोबती को महाभारत में भीम का रोल ऑफर हुआ था। उन्होंने 30 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। प्रवीण कुमार सोबती ने एशियाई और कॉमनवेल्थ गेम्स में जाकर इंडिया के लिए पदक जीतकर देश का नाम रोशन किया। उन्होंने 2 बार ओलंपिक में देश का प्रतिनिधित्व भी किया, लेकिन आखिरी दिनों में उन्हें तंगी झेलनी पड़ी। ऐसे में उन्होंने मदद के लिए सरकार से भी गुहार लगाई थी। इस तरह और भी टीवी कलाकार थे जो आर्थिक तंगी से जूझते रहे। हम आपको बताते हैं उनके बारे में। सबसे पहले महाभारत में इंद्रदेव का किरदार निभाने वाले सतीश कौल ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत पंजाबी फिल्मों से की थी। फिल्म कर्मा से लेकर खेल, प्यार का मंदिर, राम लखन और प्यार तो होना ही था तक तमाम ऐसी फिल्में दी थीं जिसमें सतीश कौल ने अपने अभिनय के दम पर लोगों का दिल जीता था। लेकिन उनकी जान आर्थिक तंगी ने ले ली। आखिरी दिनों में उनके पास इलाज के लिए भी पैसे नहीं थे। यह बात फिल्मी सितारों तक पहुंची तो कईयों ने उनकी मदद की, लेकिन पिछले साल 10 अप्रैल को उनका निधन हो गया। आगे बढ़ते हैं। श्री कृष्णा सीरियल में भीष्म पितामह का किरदार निभाने वाले अभिनेता सुनील नागर भी आर्थिक तंगी का शिकार हो चुके हैं। जी हाँ, एक इंटरव्यू के दौरान सुनील ने बताया था कि उनकी सारी जमा पूंजी खत्म हो चुकी है। परिवारजनों ने भी रिश्ते नाते तोड़ दिए हैं। पता नहीं इस मुश्किल दौर में मैं किसे दोषी मानूं। जब मैं काम कर रहा था तो मैंने बहुत कमाया। मैंने कई हिट शोज किए और कई फिल्मों में भी काम किया। आज मेरे पास काम नहीं है। आगे बढ़ते हैं। इस क्रम में अगर बात करें बॉलीवुड और टीवी अभिनेता अनुपम श्याम की, जी हाँ, आखिरी दिनों में वे भी तंगी से जूझ रहे थे। उनके भाई अनुराग श्याम ने सोशल मीडिया के जरिए अनुपम श्याम के इलाज के लिए आर्थिक मदद मांगी थी। इसके बाद बॉलीवुड के कलाकार सहित कई राजनेता उनकी मदद करने के लिए आगे आए थे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अनुपम श्याम की आर्थिक मदद की थी, लेकिन पिछले साल अगस्त में उनका निधन हो गया। तो ये कुछ ऐसे कलाकार थे जो आर्थिक तंगी झेल रहे थे और अंत में वे चले भी गए इस दुनिया को छोड़कर। आपको इस पूरी जानकारी को लेकर के क्या कहना है? अपनी राय और प्रतिक्रिया हम तक जरूर पहुंचाइए, क्योंकि आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए हमेशा महत्वपूर्ण रही है। और साथ ही साथ अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो फिर देर किस बात की, जल्दी कीजिए। और मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप कहीं मत जाइए, बने रहिए द फुलझड़ी के साथ। धन्यवाद।